इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना इमरजेंसी में 3 और 4 स्टार होटल्स को करंटीना में तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आवामी तहफ्फुज की बात हो तो इसके लिए हुकूमत मेरा घर भी इस्तेमाल कर सकती है। कोरोना के फैलाव का खदशा, हंगामी सूरत हाल में 3 और 4 स्टार होटल्स को करंटीना बनाने के अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह की सरबराही में हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आईनी इमरजेंसी भी नाफिज हो जाए तब भी बुनियादी हकूक को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अवामी तहफ्फुज़ की बात हो तो इसके लिए हुकूमत मेरा घर भी इस्तेमाल कर सकती है। वकील ने कहा कि 20 मार्च के बाद होटल के तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी, सिर्फ 8 गार्ड्स ड्यूटी पर हैं। ये निजी प्रॉपर्टी है, हुकूमत को इसे करंटीना बनाने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत प्राइवेट प्रॉपर्टी के बजाय सरकारी इमलाक का इस्तेमाल करे। हुकूमत वजीर आजम का घर करंटीना के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं करती। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर पेटिशनर के होटल को फैसले से नुकसान हुआ तो इसके लिए भी कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। अदालत ने 3 और 4 स्टार होटल्स को करंटीना में तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। याद रहे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना इमरजेंसी की सूरत में होटल्स को करंटीना बनाने का हुक्म दिया था, जिसे निजी होटल की जानिब से अदालत में चैलेंज किया गया था।